के प्रोडक्ट्स का सेवन आप दोनों बिल्कुल नहीं करते। ऑल टाइम हाई हम लोग यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग आप समझ लीजिए 801 या समझ लीजिए जी हाँ 816 के आसपास। तो ये हाइज आपको अब स्क्रीन पर निकलते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए ये कोशिश एक बार 2015 में और एक बार 2018 में स्टॉक ने की है, लेकिन अब एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ और ये एक बहुत ही अहम एएमसी है, एमएनसी है जो आपके काउंटर में होनी चाहिए। चलिए अब ऐसा करते हैं चार्ट चेक्स का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले चंदन जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कोल इंडिया। कल ये काउंटर 4.25% बढ़ा और अगर आप सितंबर की एक्सपायरी देखें तो 21% का इजाफा है। बताइए क्या रणनीति रहेगी कोल इंडिया पर आपकी? 20% की रैली दिखा चुका है और वीकली मंथली चार्ट में ब्रेकआउट्स बने हैं। मैं मंथली चार्ट को यदि देखूं आशल जी यहाँ पे तो आपको लगभग 18 महीनों का ब्रेकआउट बन रहा है। वीकली चार्ट में भी काफी अच्छा प्राइस सेटअप है और लगातार 4-5 वीक से हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो इसमें हल्का सा भी यदि बाइंग हुआ तो काउंटर में 5-6% के और ट्रिगर देखने को मिलेंगे। तो ये बॉटम आउट काउंटर है जो काफी सालों तक अंडर परफॉर्म रहा बट अब एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं चार्ट देख रहा हूँ पिछले 7 सालों से काउंटर सुस्त था, 447 से लेकर 109 तक गया और अब पहली बार यहाँ पे रिवर्सल के बड़े साइन मंथली चार्ट में बन रहे हैं। तो 155 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और 172 इमीडिएट में 195 पोजिशनल बेसिस पे आपको कोल इंडिया में अब ट्रेक करना चाहिए। ओके ये हो गया कोल इंडिया। कल यथिन अगर आप देखें क्लोजिंग में आपको याद होगा डीलर्स रूम में डीलर्स के एक्सपेक्टेशन में कोल इंडिया का जिक्र किया था, स्टॉक डे हाई पे क्लोज हुआ था। और एक और चीज़ याद रखिएगा लगभग लास्ट 4 सीरीज के हाईस को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। जो संविधान जो अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट जो कॉम्बिनेशंस ITC पे लागू हो रहे थे वो इस पे भी लागू होंगे। शॉर्ट कवरिंग एक महत्वपूर्ण पहलू होगा 162 के ऊपर। फिर आप लेके आइए इंडियन होटल्स, कल डे हाई पे क्लोज हुआ स्ट्रॉन्ग OI गेनर और क्लोजिंग के वक्त हमने एक और स्टॉक की टिप्पणी की थी, बात की थी, डिस्कशन किया था शैलेट होटल्स। दोनों चार्ट्स लेके आइएगा। मानस अगर होटल्स में ही मूव को एक्सटेंड होता हुआ आप देख रहे हैं तो आप इंडियन होटल्स को चेस करना अच्छा समझेंगे या शैलेट होटल्स को? देखिए मेरी प्रेफरेंस तो डेफिनेटली इंडियन होटल्स रहेगी और इंडियन होटल्स को मैंने करीब 10-12 ट्रेडिंग सेशंस में 2-3 बार तो डेफिनेटली रिकमेंड किया है। ब्रेकआउट बहुत क्लियर है चार्ट्स पे और हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं और मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको करीब 195-197 तक किस तरह देखने को मिल सकते हैं। तो कभी कोई गिरावट मिले तो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉसेस 159 के नीचे लगाने और टारगेट 195 से लेकर 197 के सेट करने हैं। तो आप इंडियन होटल्स को ही पसंद करेंगे और प्रेफर करेंगे। एक स्टॉक और लेके आइएगा कैन फिन होम्स। पिछले 3 दिन में इस स्टॉक ने काफ़ी सब्सटेंशियल मूव दिया है, माफ कीजिएगा 2 दिन में, और कल की कैंडल तो और भी अच्छे कॉन्फिडेंस वाली थी। आपको याद होगा चंदन कल हमने इसके 650-660 के कॉल ऑप्शन को भी ट्रेड किया था क्लोजिंग में, बहुत अच्छी क्लोजिंग आई थी। अभी नए टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 684 की 680 की जो कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है? केनफिन होम की आप बात कर रहे हो, इसमें जो आज से 5 साल पहले का हाई है 666 है और इस साल लगभग हमने 665 के हाई कल बनाए थे। तो आप देखो कि यहाँ पे मल्टीपल इयर्स का ब्रेकआउट देखने को बना है और ये काउंटर ऐसा ही है जब चलता है तो बड़े मुंह दिखाता है और फिर वापस डन हो जाता है। तो अब जो पिछले लगभग कुछ दिनों के कंसोलिडेटिव के बाद जो मूव बना है और मोमेंटम 2 दिन में कैचअप हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे और थोड़े से अपमूव बनने चाहिए, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे सपोर्टिव हो रहे हैं, काउंटर में लगभग 640 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, 666 तो मेरे हिसाब से शुरुआती और फिर लगभग 685 तक के टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड होने चाहिए। ये रणनीति कैनफिन होम्स पर आती हुई, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, चंदन जी का समय कीमती और रणनीति अब काउंटर्स पर जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज और DLF। चंदन जी ताबड़तोड़ तेजी और डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बुल्स को हर्षित करने के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में रिकॉर्ड हाई आपके सामने, इस मोमेंटम को चेस करना है या यहां पर सांस लेनी है? नहीं सर जी बिल्कुल मैं मोमेंटम को चेस करने में बिलीव करता हूँ और जिन्होंने मोमेंटम को चेस किया उसने रियली में 1.5 साल में काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिला है। तो निफ्टी रियल्टी कल खुद 8% ऊपर था और हमारा मानना है कि गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे लीडरशिप देता हुआ नजर आएगा। कल गोदरेज और डीएलएफ में 10% से ज्यादा मुनाफा देखने को मिले और उससे इंपोर्टेंट मैं वीकली चार्ट को देखूं तो मेरे को यहाँ पे एक इनवर्स सिनुसॉइडल पैटर्न दिख रहा है और ये पैटर्न बनने में लगभग कम से कम 5-6 महीने लगे हैं। तो इस इतने बड़े पैटर्न्स के जब ब्रेकआउट होते हैं तो मोमेंटम भी ब्लास्ट जैसा होता है, तो अपटिक बिल्कुल बनना चाहिए। हालांकि कल चल चुका है बट अभी भी मोमेंटम चेस की सलाह करेंगे। 1900 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, आपको ऊपर में 2020-2040 तक के लेवल बनने चाहिए। यदि किसी को फ्यूचर में या स्पॉट में रिस्क नहीं लेना है तो यहाँ पे 2000 की कॉल ट्रेड करके मूव को चेस कर सकते हैं। डीएलएफ भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कल के दिन एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला,
और अब स्टॉक अपने लगभग 10 साल के हाईएस्ट लेवल के आसपास, 10-12 साल के हाईएस्ट लेवल के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे लगभग 358 के सपोर्ट रहेंगे, 382 तक के अपसाइड, 385 तक के अपसाइड डीएलएफ में देखने को मिलेंगे। चलिए चांस पर डांस कीजिए रियल एस्टेट स्पेस में। 11